हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट मेनली पढ़ने वाले हैं। तो आज इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मेनली हम लोग एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इट्स अ टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं किससे, जो उन्होंने एक्सरसाइज 5.4 में पढ़ा है। 5.4 में आपने डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। दिस थिंग एंड दिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेसिकली व्हाई वी नीड द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये क्या हेल्प करता है हमारी, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, सभी पे बात करेंगे। देखो बच्चों, मैं तीन केसेस आपको बताता हूँ ना, तीन केसेस बताता हूँ। अगर मेरे पास लेट्स से एक्स पावर 2 है, तो आप चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 2 पावर x है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। बट अगर मैं तीसरा फंक्शन आपसे बोलूं y इक्वल टू, लेट्स से यहीं पे नीचे लिख देता हूं, ठीक है। देखो तीन केसेस मैंने आपके सामने अराइज किए, एक को आप चेन रूल से कर सकते हो, एक को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कर सकते हो, तीसरा मैं लिखता हूं x पावर x। अब ना तो आपका चेन रूल काम आएगा और ना ही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन काम आएगा, अब नहीं काम आएगा। तो बेसिकली इसके लिए हमने लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ना, इसके लिए हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की टेक्निक को बेसिकली व्हाट वी कैन से रिसर्च किया है, इन्वेंट किया है या फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा परसीव करें तो देखिए, यहां पे वेरिएबल पावर कांस्टेंट है ना, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है। जब आप डेरिवेटिव करने जाओगे तो सिंपल इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, सिंपल 2x। यहां पे कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे dy बाय dx, तो इट विल गिव यू 2 पावर a पावर x। का डिफरेंशन कितना होगा, a पावर x लॉग बेस ई ए, है ना। सो 2 पावर x लॉग बेस ई 2, ठीक है। बट यहां पे अगर आप देखो तो वेरिएबल पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, यानी कि ऐसे डिफरेंशिएशंस को करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे अब हम लोग थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं कि भैया देखिए, वेरिएबल पावर वेरिएबल या फंक्शन पावर फंक्शन। सो बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जो टेक्निक है उसमें हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग उसमें सीखते हैं कि यार फंक्शन पावर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, फंक्शन पावर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो क्या है ये टेक्निक, तो कहते हैं, देखो जी, कहते हैं कि भाई कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कहते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहता है कि भैया लॉग लो बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है। जब आप लॉग लोगे बोथ साइड तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा और यहां पे लॉग जी एक्स पावर एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग जी एक्स पावर एच एक्स। अब आपको हमने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी लॉग की, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी, क्या था, लॉग एम पावर एन। क्या होता है बच्चों, लॉग एम पावर एन क्या होता है बच्चों, इट इज एन लॉग एम।
तो यानी कि नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट इज़ नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज़ लॉग एफ एक्स बराबर ये एच एक्स लॉग जी एक्स। अब अगर आप टेक्निकली देखें, अब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा आसान है, इधर ये एक फंक्शन, यहाँ पे ये दो फंक्शन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा फील करें, अगर आप थोड़ा सा फील करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड। तो उससे क्या होगा, देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग, लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल्स टू यू डैश वी, यानी कि एच डैश एक्स लॉग जी एक्स एज इट इज, प्लस यू वी डैश। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है। अब यही सेम टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमारा जो ओरिजिनल जेन्युइन क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये टेक्निक तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, चलिए, तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं क्या बता चुका हूं कि भैया वेरिएबल पावर कांस्टेंट होगा तो चेन रूल लगा लेना, कांस्टेंट पावर वेरिएबल होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लगा लेना, लेकिन अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। तो ये दोनों रूल तो आपको क्लियर ही है, है ना दादा, ये दोनों रूल तो आपको क्लियर ही है। अब हम अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं, कहां लेके चलते हैं दादा, यहां लेके चलते हैं। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने आपको क्या टेक्निक बताई, हमने आपको टेक्निक बताई है कि भैया सबसे पहले आप क्या लो, लॉग लो बोथ साइड। क्या लो बच्चों, सबसे पहले लॉग लेना है आपको दोनों साइड। तो चलिए जी, यहाँ पे एक दीवार खींच देते हैं, ठीक है, ये दीवार हमने खींच दी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझना, हमने दोनों साइड लॉग लिया, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स पावर एक्स है। अब अगर हमने दोनों साइड लॉग लिया, तो लॉग वाई बराबर लॉग एक्स पावर एक्स। अच्छा, प्रॉपर्टी से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई बराबर एक्स लॉग एक्स, अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझना, देखिए जी, ये एक फंक्शन है, ये यहां पे दो फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बच्चों अब बहुत ही ध्यान समझना, दो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों बहुत ध्यान समझना, लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी, क्लियर है, लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डैश, अब एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा, यू डैश वी प्लस यू, अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। सो टेक्निकली व्हाट वी हैव गॉट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा एंड दिस इज वन प्लस लॉग एक्स, एंड इन एक्चुअल y कितना दिया हुआ है आपको, x पावर x, तो आप फाइनली ये भी लिख सकते हो, x पावर x 1 प्लस log x। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट द फंक्शन पावर फंक्शन, द वेरिएबल पावर वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज द वन सच पावरफुल टेक्निक। तो हमने देखा किस तरीके से हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों क्या कर दिया, हमने अप्लाई कर दिया, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम अपनी अर्लियर टेक्निक्स नहीं लगा पा रहे थे, अब हम यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उसको डिफरेंशिएट कर पाए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की टेक्निक बहुत ही प्यार से समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन करते हैं,
टेक लॉग बोथ साइड, है ना। एक स्टेप में तो हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग पहला स्टेप में क्या करते हैं भैया, लॉग लेते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। कब यूज होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, व्हेन वी हैव वेरिएबल पावर वेरिएबल, है ना, स्पेशली इन सच केस, स्पेशली इन सच केस, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे एक बहुत ही प्यारी बात समझने की है कि जब भी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट लॉग की जो डेफिनेशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे मतलब अगर आप देखो तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आपकी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि लॉग पॉजिटिव्स के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है, क्लियर है क्या। बट क्या ऐसा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऐसी ही सिचुएशंस में अप्लाई होगा जब y इक्वल्स टू वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा? नहीं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस और भी अदर प्लेसेस पे अप्लाई हो सकता है, आइए दिखाता हूं कैसे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है आगे चलें क्या। चलिए अब एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक फंक्शन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द dy बाय dx, है ना, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर ये फंक्शन हमने y मान लिया तो हमें dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx निकालना है। अब अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग चेन रूल से सॉल्व करें, बहुत ही ज्यादा गंदगी मचने वाली है। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कितना लिखवाया था आपको, dy बाय dx इज 1/2 रूट एक्स। और इसीलिए हमने एक चीज और सिखाई थी आपको कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर fx है तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू बाई रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसको समथिंग मान लिया तो आपका जो समथिंग है ना वो समथिंग नहीं है, बिग थिंग है, ठीक है, बहुत ही गंदा है। तो यहां पे हमारे पास चॉइस है कि हम चेन रूल से कर सकते हैं ना, इसको रूट समथिंग मान के और ऐसे रूल लगा के और हम सॉल्व कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये समथिंग बहुत ही बड़ी थिंग है ना, तो इसलिए ऐसे केसेस में हम अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए आइए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से काम कितना आसान हो सकता है उसको देखते हैं, है ना, थोड़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की पावर को देखते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 1/2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लॉग ले रहा हूं, टेक लॉग बोथ साइड। कहने का नहीं 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 सर, आप लॉग नहीं ले सकते, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा रहे हो, ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, चेन रूल लगाओ बाबू। अब यहां पे एक समझने वाली चीज है, अगर वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो आप चेन रूल भी लगा सकते हो और आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हो, मर्जी है, मर्जी है, दोनों लगा सकते हो, ठीक है, जिधर से आसान पड़े वो लगाओ, है ना। अब जाहिर सी बात है जिधर से आसान पड़े वो लगाओ, जिधर से आपको आसान पड़े आप वो लगाओ। अब जाहिर सी बात है यार, आप खुद सोचो, हमारे पास ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट ये भी है और वेरिएबल पावर कांस्टेंट ये भी है, यहां पे चेन रूल लगाना आसान है, यहां पे चेन रूल लगाना आसान है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, यहां पे चेन रूल लगाना आसान है, यहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना आसान है, ठीक है। अच्छा तो केस वन, केस टू, अगर सर कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो क्या करेंगे सर,
सर यहां पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर सकते हो, ठीक है ना, और आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू 2 पावर x है, तो आप ऐसा नहीं है, इसको आपने क्या लिखा, y इक्वल टू dy बाय dx कैसा लिखा, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव से 2 पावर x log 2। लेकिन अगर आप इसी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे तो टेक लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू log 2 पावर x, तो log y इज इक्वल टू x log 2। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, एंड यहां पे सम कांस्टेंट इनटू x का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट, ये बेस ये होगा ना, और x का डेरिवेटिव 1। तो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो dy by dx कितना हो जाएगा, इट इज y log 2, और y क्या है आपका, y है 2 पावर x, ठीक है। तो आप अगर कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो आप दोनों लगा सकते हो, एक्सपोनेंशियल भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी, जो भी आपको आसान लगे वो लगाओ। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमारे पास वेरिएबल पावर वेरिएबल आएगा, तब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, तब हम लोग सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। चेक कर लो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए तो अब सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, चलिए वापस बैक टू द क्वेश्चन आ जाइए। अब हमारे पास वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो लॉग डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, चाहे हम लोग चेन रूल भी लगा सकते हैं, बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहां पे आसान पड़ेगा। तो टेक लॉग बोथ साइड। अब स्टूडेंट्स, लॉग वाई इज इक्वल्स टू 1/2 log द सेम क्वांटिटी, है ना, ये क्वांटिटी कॉपी पेस्ट मार दो क्या, सेम क्वांटिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, log y इज इक्वल टू 1/2, हमने आपको एक चीज सिखाई थी, log में जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन में जाता है, जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन में जाता है, और जो डिवीजन में होता है वो सब्ट्रैक्शन में जाता है, वो सब्ट्रैक्शन में जाता है। बच्चों क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, स्टेप वन लॉग हो गया बोथ साइड, अब क्या करना है हमें, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड। तो देखिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, प्लीज ये जानकारी नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या, बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या बच्चों, कि सॉरी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, log समथिंग का 1/something इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, चेक कर लो लेफ्ट साइड में, log समथिंग का 1/something इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, राइट साइड में 1/2 तो भारी रहेगा, अच्छा अब log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/something और फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो यहां पे हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है, प्लस फिर log x स्क्वायर प्लस 4, यानी कि log समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1/x² + 4, है ना, log समथिंग इज 1/something इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x,
तो यहाँ पे अपने आप कितना आ जाएगा भैया, 2x आ जाएगा माइनस log समथिंग का डिफरेंशियल, तो 1 अपॉन समथिंग ठीक है, एंड समथिंग का डिफरेंशिएशन इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो 3 × 6x + 4 तो 6x + 4 हो गया, ठीक है, क्लियर है क्या, इट इज 6x + 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसने हमसे इवेंचुअली क्या पूछ रखा है, dy/dx, सो हम लोग क्या कहेंगे भाई, dy/dx इज इक्वल टू व्हाट वी विल राइट, इट इज 1/2y एंड द सेम क्वांटिटी एंड दिस सेम क्वांटिटी, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि y क्या है, y इज दिस खतरनाक क्वांटिटी, सो इवेंचुअली हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज हाफ इंटू वाई, वाई कितना है बच्चों, दिस मच एंड इंटू दिस क्वांटिटी, सो दिस बिग आंसर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों, ऐसे करके हमारे पास ये डेरिवेटिव आएगा, देख रहे हो कैसा खतरनाक सा डेरिवेटिव है, बट द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपका देखो पीछे अगर हम लोग आंसर मिलाएं जो एनसीईआरटी ने आंसर दिया हुआ है, हालांकि यही आंसर दिया हुआ है, बट अगर आपका आंसर लिटिल बिट प्लस और माइनस मैच भी नहीं हो रहा है, मतलब प्लस माइनस की गलती से नहीं, बट मान लो जैसे उन्होंने एलसीएम ले लिया है ना, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लिया और आपका हल्का फुल्का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप मतलब यहाँ पे है ना प्रैक्टिस लेवल पे तो आप अपने आंसर से एनसीईआरटी का आंसर मैच कराने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर एग्जाम में आप इसको ऐसे के ऐसे छोड़ आते हो तो इट्स अ परफेक्ट आंसर बिकॉज योर ऑल द स्टेप्स मैटर्स, ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, ग्रेट, फटाफट से वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स करेंगे, चलें आगे, चलें क्या बच्चों, बताइए जल्दी से, चलिए, तो यू कैन मैच द आंसर, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ओके, कह रहे डिफरेंशिएट ए पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेट से वाई आपका ए पावर एक्स है, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला आपको आता ही है, हैं सर हमें तो फॉर्मूला ही आता है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ये तो हमें आता ही है सर, नहीं हमें ये शो करना है कि आया कैसे है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, हम क्या कर रहे हैं, टेक लॉग बोथ साइड, अच्छा जब मैं लॉग ले रहा हूँ ना बोथ साइड, तो अंडरस्टूड है कि बेस ई ले रहा हूँ, मतलब ये अंडरस्टूड है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड तो ये अंडरस्टूड है कि बेस ई ले रहा हूँ, ठीक है, अच्छा तो यानी कि लॉग वाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एक्स लॉग ए, अब स्टेप वन तो ये हो गया, स्टेप टू क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है, सो लॉग वाई कितना हो जाएगा, इट इज लॉग समथिंग इज 1/something, log something is 1/something into something का differentiation, right hand side में आप देखेंगे it is u and it is v, तो u dash x का differentiation 1 v plus u और log a क्या है constant, तो constant का differentiation 0, तो यानी कि ये तो कितना आ जाएगा, इसके अलावा आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, constant बाहर लेके dx by dx is 1 तो कांस्टेंट आ जाता, ठीक है कैसे भी कर सकते हैं आप, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से वाई लॉग ए,
एंड वाई लॉग ए आ गया, तो वाई कितना है हमारे पास, ए पावर एक्स. सो ए पावर एक्स लॉग ए. सो दिस इज अवर आंसर. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? है जी. चलिए, तो वीडियो को आप पॉज करके प्लीज नोट करने की कोशिश करिए. वीडियो को पॉज करके प्लीज आप नोट करने की कोशिश करिए. ठीक है, चलें आगे. चलें क्या बच्चों, आगे चलें क्या, बता दीजिए. चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पे अगेन हमारे पास कहता है कि डिफरेंशिएट एक्स पावर साइन एक्स वेर एज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें डिफरेंशिएट करना है ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लेट्स से गिवन फंक्शन हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स पावर साइन एक्स. एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, हमें निकालना क्या है बच्चों, वी वांट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, ये हमें निकालना है. ठीक है ना, हमको क्या करना है, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे, हम लोग फंक्शन पावर फंक्शन देख रहे हैं. तो हमने क्या बोला कि भैया टेक लॉग बोथ साइड. क्या बोलती पब्लिक? तो जैसे हमने किया तो लॉग वाई इक्वल्स टू इट इज लॉग एक्स पावर साइन एक्स. सो इट इज लॉग वाई एंड लॉग एम पावर एन इज एन लॉग एम. तो यानी कि साइन एक्स log x. नाउ स्टेप टू क्या है बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में? स्टेप टू क्या है? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो इट इज log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? log समथिंग इज वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन समथिंग इंटू डी वाई बाई डी एक्स. नाउ यहां पे दो फंक्शन है बच्चों. सो यू डैश वी यानी कि साइन एक्स का कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस यू वी डैश लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स. ठीक है, नाउ फाइनली क्या होगा बच्चों? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये y प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो y इंटू द सेम क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी. ठीक है जी, क्लियर है? तो अब dy वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भैया? y कितना है हमारे पास? y हमारे पास x पावर साइन x, x पावर साइन x. ठीक है, एंड दिस सेम क्वांटिटी. ठीक है, क्लियर है भाई? सो ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया. क्लियर है बच्चों? क्या आप लोगों को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको? जल्दी से बता दीजिए. क्लियर है? चलें आगे, चलते चलें, बढ़ते चलें क्या. ग्रेट ग्रेट, ओके. सो अब क्या करना है, अब क्या करना है देखते. तो एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं. पहले तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से नोट कर लीजिए. ठीक है, सो दैट यू हैव अ नोट, है ना. आप एट द एंड ऑफ द ईयर और जब भी आप रिवीजन करेंगे सो यू कैन रिवाइज थ्रू द नोट्स. हालांकि इन सभी लेक्चर्स के नोट्स जो हैं आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलें आगे. ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब आपका जो आंसर है
वो जो आंसर हमने निकाला है उससे मैच नहीं कर रहा है, चेक कर लीजिए आप। लेकिन अगर आप देखेंगे जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पीछे से आंसर मैच भी कराना है तो अब देखिए एक्स पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये तीन फंक्शन प्लस, अब देखिए एक्स पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए बच्चों एक्स पावर साइन एक्स और यहां पे अपॉन में एक्स है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाला एक्स की वजह से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली यही आंसर है आपका, चेक कर लीजिए एक्स पावर साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने आंसर भी एनसीईआरटी से मैच भी करा सकते हैं। हालांकि किसी बच्चे ने अगर ऐसे भी छोड़ दिया होगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या, फटाफट से नोट करिएगा, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। क्लियर है, आगे चलें जल्दी से बता दो। हाँ जी, आगे चलें क्या, चलें, चलिए। ओके, सो वी हैव अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन हियर और इस एक क्वेश्चन के माध्यम से जो बचा कुचा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है वो आप सारा का सारा सीख जाओगे। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज जो आपका 5.5 है, उसके सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को बहुत शांति से आपको समझना पड़ेगा। हमें यहां पर डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। एक तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं टेक लॉग बोथ साइड, वो यहीं के यहीं लॉग लगा देंगे। ठीक है, वो यहीं के यहीं लॉग लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे एक्स लॉग वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, या फिर उससे पहले भी आप ऐसा करेंगे, है ना। जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो ये गलती करते ही करते हैं इन क्वेश्चंस में, है ना, मैं अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, जबकि ये स्टेप भी गलत है ना, मतलब ये स्टेप गलत नहीं है बट ये दोनों स्टेप गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी आपको ऐसा सिखाया ही नहीं है कि log m plus n log m plus log n हो जाता हो। क्या हमने कभी आपको ऐसा सिखाया? नहीं। आप यहां क्या कर रहे हो, log m plus n को log m plus log n कर रहे हो, कभी नहीं सिखाया हमने। और इसकी वजह से ये भी स्टेप गलत है भाई। जब यही स्टेप गलत है तो ये भी गलत हो गया फिर। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में सावधानी बरतनी है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है जरा उसके बारे में बात करते हैं। करना ये है कि भैया हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है जी, हमने अपना क्वेश्चन लिखा वाई की पावर एक्स प्लस एक्स पावर वाई प्लस एक्स पावर एक्स बराबर ए पावर बी। ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है। हमने कहा यार इसको ना यू मानो, इसको वी मानो और इसको डब्लू मानो। ठीक है, तो हमारे पास यू प्लस वी प्लस डब्लू बराबर क्या हो गया, ए पावर बी। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर
डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर बी। अब ए पावर बी कॉन्स्टेंट है, कहने लगा सर हमें कैसे पता, सुनो ए बी सी एम एन पी क्यू आर इन सबको अल्फा बीटा गामा ये सबको आप कॉन्स्टेंट ले लो कैलकुलस में। क्यों ले लो, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में। तो इन जनरल हम इनको क्या ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं। वेयर एज थीटा फाई टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी कैलकुलेशन कैलकुलस में इनको हम लोग वेरिएबल मानते हैं, ठीक है ठीक है, वो कॉन्स्टेंट्स हो गए ये वेरिएबल। तो यानी कि ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा बच्चों, कॉन्स्टेंट पावर कॉन्स्टेंट 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 का डेरिवेटिव जीरो। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, और यहीं से मिलेगा हमें हमारा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए चलिए आगे का काम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल फटाफट इतनी जानकारी नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये राइट साइड वाली जानकारी हटाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अभी नहीं हटा रहा हूँ, अभी इसको इधर ही रख देते हैं। अब एक एक करके हमें डिफरेंशिएशंस चाहिए। तो u कितना है हमारा, y पावर x। तो मैं एक एक करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, देखिएगा। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, इट इज लॉग ऑफ u बराबर x लॉग y। डायरेक्ट लिख दिया मैंने x लॉग y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, कितना हो जाएगा, इट इज log u इज log समथिंग इज वन अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। देन अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, u डैश वी प्लस यू वी डैश log समथिंग का वन अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हमारे पास du यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, इट इज मल्टीप्लाइड बाई यू एंड दिस क्वांटिटी log y प्लस x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। वेयर एज यू कितना है बेटा, u y पावर x है, u आपका y पावर x है, ठीक है, क्लियर है क्या। अब अगर हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर दें तो du यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y पावर x log y प्लस, अब देखो y पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अपॉन में y है तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, y की पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर से देखते हैं क्या किया हमने, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो y पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो y डिनोमिनेटर में होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द du बाई डी एक्स वैल्यू, दिस इज द du बाई डी एक्स वैल्यू। अब हम लोग du बाई डी एक्स वहां पुट करेंगे, बट अभी हमें dv बाई डी एक्स और dw बाई डी एक्स भी चाहिए। तो यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेंथी होने वाला है, कोई बात नहीं, हो जाने दो, हो जाने दो। तो v क्या है भैया, v क्या है x पावर y, x पावर y, और टेक लॉग तो कितना हो जाएगा, इट इज log v इज इक्वल टू y log x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ differentiate both side with respect to x, it is log v, it is 1 upon v into dv by dx, now u dash v plus u v dash log x ka 1 upon x, so dv by dx kitna ho jayega, इट इज इन टू वी
एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. नाउ व्हाट इज वी? वी इज एक्स पावर वाई, एक्स पावर वाई. नाउ अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो डी वी बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ गया, इट इज एक्स पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y, और x पावर y अपॉन x कितना, x पावर y माइनस वन. ठीक है, क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब हमारे पास तीसरा केस है. कौन सा केस है जरा ध्यान से देखेंगे. अब हमें w कितना है, x पावर x है. एंड मैं आपको बता दूं कि इसका डिफरेंशिएशन तो हमने सबसे पहले किया था और ये बहुत ही पॉपुलर डेरिवेटिव होता है. अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एक्स पावर एक्स को तो एक्स पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स आता है. ये बहुत ही पॉपुलर डेरिवेटिव है इसलिए मेरे को याद है. और देखो अगर आप बहुत ध्यान से, तो हमने सबसे पहले हमने यही करा था एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव, इट इज एक्स पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, है ना. तो ये मेरे को याद है इसलिए, ये मेरे को बेटा इसलिए याद है. ठीक है, तो अब हमारे पास डी बाई डी एक्स भी आ गया. अदरवाइज तो आप बिल्कुल वैसे ही, जैसे हमने ये दो डेरिवेटिव निकाले वैसे ही आप निकाल सकते हो. तो यहाँ तक की पिक्चर सभी को याद होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ तक की पिक्चर सभी को याद होनी चाहिए, मतलब सॉरी यहाँ तक की पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ से फोटो खींच लेता हूँ और मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं. तो इवेंचुअली हमें dy by dx निकालना है, ये मत भूलो. तो dy by dx निकालना है तो इक्वेशन नंबर वन में मैं सारी की सारी चीजें पुट करूंगा. अब देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, मेरे पास इक्वेशन नंबर वन क्या है, इक्वेशन नंबर वन क्या है मेरे पास, इट इज du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx बराबर जीरो है. ठीक है, अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मैं du by dx का वैल्यू रख रहा हूं y पावर x log y प्लस y इंटू एक्स वाई पावर x माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, ये मैंने इसका वैल्यू रखा, प्लस फिर मैं dv by dx की वैल्यू रख रहा हूं, इट इज x पावर y log x dy by dx प्लस वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन. अब मैं डी डब्ल्यू बाई डी एक्स लिख रहा हूं, दैट इज एक्स पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स. ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो. अब मैं मेरे को क्या करना है, सारे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक जगह रखूंगा मैं, ए ये वाली और एक ये वाली बस. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y पावर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स पावर y log x. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स ले जाओ इधर, y पावर x log y. ठीक है, और प्लस y इंटू एक्स पावर y माइनस वन प्लस x पावर x वन प्लस log x. ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चली जाएगी, डिवीजन में चली जाएगी. अब आप चेक कर लो, जो आंसर हम लेके आए हैं और जो एनसीईआरटी वाले चचा ने लिख रखा है उनको दोनों को मैच कर लो, चेक कर लो. अरे बिल्कुल ही सही है क्या, हम तो सोच रहे थे थोड़ा बहुत कुछ गलत होगा. ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करने हैं, वेरी इजी. सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कब लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, सभी तमाम क्वेश्चंस भी करा दिए आपको. तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू गाइज कुड हैव यू नो यू गाइज कैन इम्प्लीमेंट दीज कॉन्सेप्ट इन द एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चंस. इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा. तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चलाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ सफल बैच.
बहुत ही मिनिमल फीस पे मैं वो प्रोग्राम चलाता हूँ, यानी कि जितनी आपकी मैथमेटिक्स ट्यूशन की एक या डेढ़ महीने की फ़ीस होगी उसके अंदर मैं पूरा साल भर का प्रोग्राम चलाता हूँ। दिस इज़ वन टाइम एनुअल फीस, और ये एक मैथमेटिक्स स्पेशल बैच है फॉर क्लास ट्वेल्थ मैथ्स एंड CUET, और नॉट जस्ट NCERT, NCERT के साथ साथ हम लोग यहाँ पे NCERT प्लस प्रिपरेशन करके चलते हैं, और लेक्चर वाइज DPPs होती हैं, और DPPs के अंदर आपके सभी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो RD हो, चाहे PYQs हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, ठीक है, और NCERT एग्जाम्पलर हो, और इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे, और पीरियोडिक टेस्ट भी होते हैं चैप्टर वाइज एंड ऑन एवरी संडेज। सो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, है ना, एक सेंस ऑफ रूटीन डेवलप हो गया है बच्चों के बीच में और मेरे बीच में कि हाँ उस पर्टिकुलर टाइम पे डेली बेसिस पे हमें पढ़ना होता है। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे डाउट्स Q&A वगैरह चलते रहते हैं, और इसके अलावा सभी सेशंस के नोट्स और रिकॉर्डिंग आपको साल भर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो किसी भी बच्चे का कुछ छूट गया है किसी कारणवश, कोई चैप्टर या कोई लेक्चर, वो कवर अप कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अपने डाउट सेशन में डाउट्स भी पूछ सकता है, और किसी भी मोबाइल या PC डिवाइस से आप सफल बैच को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों के थोड़े 11th क्लास के बेसिक्स भी कमज़ोर हैं, तो सफल बैच इज़ अ वंडरफुल बैच फॉर यू, बिकॉज इस पूरे बैच में पूरे साल ये कंसिडर किया हुआ रहता है मेरे दिमाग में कि 11th के बेसिक्स बार बार आपको परेशान करेंगे 12th में एक्सेल करने से, तो इसलिए पैरेलली उन सभी कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए चलते हैं। और स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स जैसे कि आपको CBSE क्लास ऐप पे मिल जाएंगे, वहीं पे आपको सफल बैच का भी एक फ्री कंटेंट भी आपको मिल जाएगा जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, वो नोट्स रिकॉर्डिंग और DPP फॉर्मेट में। तो अगर आप सफल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी आपके पेरेंट्स की, आपके सीनियर्स की, आपके टीचर्स की, तो आप हमारे से इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स, एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, राइट? सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लव यू ऑल, बाय बाय।